सब तो पहला मैं धन्यवाद करता अपनी पार्टी की लीडरशिप का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल साढ़े जिहड़े ऑर्गनाइजेशन के जनरल सैकटरी ने, जिन्होंने मेरे ते भरोसा करके एक वड्डी जिम्मेवारी दी है सारे देश के किसानों ते खेत मजदूरों नूं संगठित करना, इन्हां नूं इकट्ठे करके और देश की सरकार नूं मजबूर करना वा कि इन्हां दी वी गल सुण। असल भारत विच की हो रहा पिछले काफ़ी दहाकों कि इतने सिर्फ तो सिर्फ कारपोरेट घराने की गल चल, इतने एग्रीकल्चर जिहड़ा है जिहड़ा 60-70% जिहड़ा इंडिया है वो पिंडां च वसदा वा, लेकिन फोकस सारा शहरां दे विच ही आ। शहरां विचों भी चुन के चंद कारपोरेट घराणियां दा वा। मैं हुणे कोट कीता वा कि पिछले 10 सालां च इस देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया वड्डे घराणियां दा, जिहड़े अडानीज ते अंबानीज 12 लाख करोड़। और कभी वह बहाना बनाते कि NPA हो गया अकाउंट, जैसे अपने बैंकों की इकोनमी बचाने, जबकि ये मुकाबले तो पंजाब जिहड़ा कि सब तो अगाह वधू सूबा खेती च, यहाँ 1 लाख करोड़ रुपया है सारे किसानों का करता, वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। इधर 12 लाख करोड़ रुपया माफ़ करता, उधर 1 लाख करोड़ नहीं माफ़ करेंगे। इसलिए और जिहड़ा पिछले बजट में कल 2020-21 2 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया गया। सो साडा यतन होगा कि किसानों के खेत मजदूरों के मुद्दे जोड़े ने वो केंद्र के सामने रखे जाण। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जी BJP ने आप प्रोमिस किया, वो जिहड़ी रिपोर्ट है लागू की जाए, जिहड़ी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सारे इनपुट्स को कैलकुलेट करके उन्होंने 50% ओवर एंड अबव दिता जाए। अज कणक का भाव जिहड़ा वा वो 2000 रुपये क्विंटल है मोटे तौर पर। अज अगर स्वामीनाथन कमेटी का फॉर्मूला लागू किया जाए तो यह भाव चाहिए है 4000 रुपये क्विंटल। तुसी याद करो अच्छी तरह नाल प्राइस इंडेक्स इनफ्लेशन जब तक सरकार इनू कैलकुलेट नहीं करेंगी उदों तक किसान ते खेत मजदूर खुशहाल नहीं होगा। 50 साल पहला एक तोला सोना लैन वास्ते 3 क्विंटल कणक बेचनी पैंदी सी। 50 साल बाद जब सारी दुनिया तरक्की कर गई है सानू भी तरक्की करनी चाहिए सी। हुण असी 1 तोला सोना खरीदना होवे तो सानू 25 क्विंटल कणक बेचनी पैंदी। बस इतों अंदाज़ा ला लो कि किस तरह पीसिया गया किसान इस देश में। ये सारे नूं अगे लैके आउण वास्ते, किसानां दीआं गल्लां कहण वास्ते, उहनां नूं संघर्ष दे राह ते लिआउण वास्ते, केंद्र सरकार नूं मजबूर करन वास्ते जिहड़ी मैनूं जिम्मेवारी दित्ती गई है, मैनूं इमानदारी ते तनदेही ने निडरता नाल नभाउण दी कोशिश करो। एक तां गल हैगी आ कि साडे कर्जा बहुत ज़्यादा, साडे कोल साडी लिमिटेशन। दूसरा वा कि पंजाब की सरकार जिहड़े चलाउण वाले बंदे ओह भगवंत मान दी तां उहदे ते कोई बागडोरी है उहदे हत्थ 'च है नहीं। चलाउण वाले तां बहि गए ने राघव चड्ढे हुणी आण के, जिन्हां नूं खेती का कुछ नहीं पता, जिन्हां नूं खेत मजदूरों का कुछ नहीं पता, जिन्हां नूं पंजाबी लिखनी नहीं आउंदी, पंजाबी पढ़नी नहीं आउंदी, वो सारी बागडोर उहनां दे हत्थां 'च फड़ाती है। तुसीं देखो पंजाब दा उहनूं असीं रीवैम्प करके बहुत मजबूत बनावांगे तां कि पंजाब सरकार कोई भी काम गलत एंटी फार्मर और एंटी खेत मजदूर को फैसला ना ले सके। बिल्कुल दुरुस्त है। और जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चे SKM दे नाल 2-3 वादे वड्डे सीगे, एक तां सीगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिहड़ी आ उहदी कमेटी बना के उहनूं गरंटी दे तौर दे उत्ते लागू कीता जावे, साल हो गया किसी ने नहीं कीता। दूसरा जिहड़े उहनां दे मुकदमे बने सीगे उह मुकदमे नहीं वापस ले गए जिहड़े आगूआं ते वर्करां ते किसानां ते खेत मजदूरां ते। तीसरा इलैक्सिटी अमेंडमेंट बिल जिहदे उत्ते साडे उपर थोपिया जा रहा सी केंद्र वल्लों, साडे फैडरल ढांचे दे उत्ते डाका सीगा, साडे हकूक दे उत्ते डाका सीगा, वो भी इन्होंने बिल जिहड़ा हले पता लग्या वा कि उहनूं रद्द नहीं कीता, उहनूं मानसून सैशन पार्लीमेंट विच मोदी की सरकार दुबारा लैके आना चाहती। सो इस करके तां बेईमानी होगी सरासर। तुसीं 3 पहलां काले कानून बनाउंदे हो, उहनां नूं वापस लैण वास्ते सारे देश के किसानों का इम्तिहान लैंदे हो, 600 तों 700 किसान तुहाडी गुरूहां दे उत्ते मर जांदा वा ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਨ ਥਰੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਟਿਲ ਨਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਔਰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਪ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਸਪੀਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਗੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇੰਟਿਮੀਡੇਟਿੰਗ ਦੈਮ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਕਾਲ ਇਟ ਮਰਡਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ